हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक दीपा भाटी व्लॉग। ये व्लॉग है 25 तारीख का, ट्यूसडे का। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बेटे के रूम में, कुछ कपड़े रखने हैं मुझे अपने बेड में। तो ये पर्दे ना बहुत टाइम से मेरे अलमारी के अंदर रखे हुए थे, तो अलमारी में वैसे ही स्पेस इतना नहीं होता है, तो मैंने सोचा चलो इसे बेड में रख देती हूँ, क्योंकि बेड तो मुझे बनाना ही है। और अपने ये वाली बेडशीट को हटाना है मुझे, इसको धोना है। और आजकल वैसे भी मैं हल्की हल्की बेडशीट ही बिछा रही हूँ, क्योंकि मशीन ठीक नहीं है मेरी। आप बोलोगे कि बार बार बोलती है, लेकिन हाँ, मशीन ठीक नहीं है मेरी, तो मुझे हाथ से धोना पड़ता है। इस वजह से ना मैं थोड़ी हल्की ही बेडशीट बिछाती हूँ। चलिए, और अब बिछा दी है मैंने बेडशीट, और जो भी सामान बेड पर रखना है ना उसको रख देती हूँ उसकी अपनी जगह पे। वो वाला बेड मैं ठीक से करके आ गई हूँ। और अब बारी है बाहर के एरिया की। तो ये सोफ़े के कवर को मैं हटा करके झाड़ लिए हैं मैंने, और अब इनको बिछा देती हूँ। और जो हमारा वाला बेडरूम है उसमें मेरा बेटा सोया हुआ है अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीबन 9:30 ऐसे हुए होंगे। हस्बैंड चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले बाहर का अपना मतलब बाहर का काम कर लेती हूँ, और साथ साथ डस्टिंग भी कर देती हूँ। और जब हम डेली डेली डस्टिंग करते रहते हैं ना, तो घर इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। हल्का से भी कहीं दिखे तो उसको झाड़ देना चाहिए। अब मैं ऐसे ही करती हूँ। और अब चलिए, आज थोड़ी धूप खिली हुई है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है गर्मी का। तो मैं दोनों अपने पायदान लेकर आ गई हूँ, क्योंकि इनको धूप लगना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और छत पर आ गई थी तो सोचा चलो पुदीना भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पुदीने की चटनी बनानी है। और ये इतनी खुशबू देता है ये पुदीना, मतलब सब यूज़ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें से। और चलिए, आ गई हूँ मैं नीचे, तो अब बना लेती हूँ नाश्ता। बेटा अभी भी उठा नहीं है, तो मूँगफलियों को मैंने फ्राई कर लिया है, रोस्ट कर लिया है, और तेल में डाल दी है मूँगफली थोड़ी सी। पोहा ही बनाऊँगी, पोहे की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप भी कहेंगे कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती है। लेकिन आज ना विदाउट टमाटर बनाऊंगी, क्योंकि टमाटर का तो आप सबको ही पता है कि कितना महंगा हो गया है। वो बचत तो करनी पड़ती है, क्योंकि एक एक पैसा बचाना पड़ता है। और पोहा मेरा बन चुका है, और दाल भी लिया है मैंने प्लेट में। और इसके बाद बना लेती हूँ चाय। भाई चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है। और इस बीच में ना मेरा बेटा भी उठ गया था, और मैंने अपना बेड भी बना दिया और सारा काम ख़त्म कर लिया, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया। उसके बाद आ गई हूँ मैं नहा करके, तो अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ। बाल भी ना पसीने से इतने गीले हो जाते हैं कि जैसे आपने धोए हों। तो इस वजह से ना, या तो आप जूड़ा बना सकते हो, या चोटी आप खोल के रख नहीं सकते इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैंने पाउडर लगा लिया, क्योंकि गले में ना बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए हैं। चलिए, अब हो गया है दोपहर का टाइम, तो मैं बना लेती हूँ खाना। और खाने में थोड़ा सा आज स्पेशल ही बनाऊँगी मैं, मतलब ऐसे ही बना रही हूँ, झटपट बनने वाला। और ये देखिए, ये जो लिज्जत पापड़ है ना, आज इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। वैसे मैंने पहले भी बनाई है, बहुत टेस्टी बनता है। और वैसे मैं पापड़ को कच्ची ही की सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इसको सेक करके बनाऊंगी। तो तेल डाल दिया है मैंने, तेल में डाल दिए थोड़ी सी हींग, ज़ीरा, और जो एक टमाटर था ना, छोटू सा टमाटर डाला है एक, और उसके अंदर डाल दिए हैं बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा दही। तो दही डालने से पहले मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि दही फट जाती है, और थोड़ा ठंडा करके उसके बाद दही डाली है। और उसकी बीच में जब तक मसाला मेरा बना ना, तब तक मैंने गूंद लिया है आटा। और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके पापड़ को डाल दिया है उसमें, और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और उसमें थोड़ा सा पानी डाला था, बस सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि बेटे को भी मेरे बहुत पसंद आई। और मुझे ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, नमकीन की सब्ज़ी, ये सब चीज़ें। और अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। तो रोटी ज़्यादा नहीं बनेंगी, क्योंकि जो सुबह बनाया था ना हस्बैंड के लिए, तो उन्होंने कम ही खाया था, तो रोटियाँ वो बच गई थी। और तो मैंने 3 या 4 रोटियां बनाई थी। और अब लगा देती हूँ घी, क्योंकि घी से थोड़ा सा अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, और नहीं सूखी सूखी रोटी खाई नहीं जाती है। चलिए, हम कर लेते हैं लंच।
खाना खा के मैं सो गई थी थोड़ी देर, और रात को ना नींद नहीं आई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी दिन में, तो गर्मी की वजह से ना सर में दर्द हो रहा था, और दर्द अगर दर्द होता तो वैसे ही नींद नहीं आती है, तो दिन में उसकी वजह से नींद आ गई, और आँखें भी मेरी ना सुबह सूज रही थी, यहाँ से काम भी नहीं हो पा रहा है, और सारे में यहाँ पे ना हल्के हल्के दाने भी निकल गए हैं, और आज मैं थोड़ा जल्दी ही खाना चढ़ा दूंगी, टाइम हुआ है 5 बजे हैं अभी, तो थोड़ा जल्दी खाना चढ़ा दूंगी। उससे पहले ना मैं अभी थोड़ा सा मेरी अलमारी ठीक कर लेती हूँ, और जो कपड़े मैंने धोए थे कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद चढ़ा दूंगी खाना, तो देखती हूँ शायद हो सकता है अरबी बनाऊँ मैं खाने में रात के डिनर में। अब गर्मी ने तो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है ना, और अभी बेटा मेरा बाहर गया हुआ है अपने फ्रेंड्स के पास, उनसे मिलने गया है किसी काम से बुक्स वगैरह के लिए, चलिए तब तक और देखती हूँ अगर प्रेस कर पाई तो मैं थोड़ा से कपड़ों को प्रेस भी कर लूँगी, क्योंकि गर्मी में बैठा तो जा नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखिए फैन चला रखा है मैंने अंदर, काम करना है मुझे, तो चलिए मैं अपने जो मेरा अलमारी है ना उसके नीचे ना थोड़ा गंदा सा हो गया है, मिट्टी मिट्टी हो गई है, उसको ठीक कर लेती हूँ। वैसे तो ठीक है, फैली हुई नहीं है, लेकिन थोड़ा नीचे गंदा हो रहा है, और कुछ एक दो ड्रॉर जो है ना वो गंदे हो रखे हैं, फैली हुई नहीं है ये नीचे, देखिए अभी मेरे बेटे ने टी शर्ट निकाली थी, और देखिए सारी टी शर्ट बाहर निकाल दी है ये देखिए, और नीचे का कुछ साफ करना है मुझे, और जो कपड़े फोल्ड करूंगी रखने हैं और प्रेस करने हैं कुछ कपड़े। चलिए पहले ठीक कर लेती हूँ, काफ़ी सारा इधर ऊपर नीचे हो रखा है। सबसे पहले जो जितना भी सामान अलमारी के अंदर रखा हुआ है ना उसको बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि सही तरीके से ना तभी साफ़ हो पाता है, क्योंकि यदि तो इधर से उधर करके करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना छूट ही जाता है, तो जितने भी सारे कपड़े हैं ना मैं बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद साफ़ करूँगी। तो और मेरे भी क्योंकि कपड़े थोड़ा इधर उधर हो रखे हैं, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो गर्मी में नहीं पहने जाते हैं, उनको एक साइड रख दूँगी निकाल करके, और अलमारी मैंने साफ़ कर दी है, और वापस उसको सारे कपड़ों को उनकी अपनी जगह रख दूँगी, और जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए वो इस बॉक्स में रख दूँगी। कुछ मेरी टॉप हैं जो मुझे नहीं पहनने हैं अभी, क्योंकि गर्मी में पहने नहीं जाते हैं, ज़्यादातर सामान मेरे बॉक्सों में ही रखा हुआ है, क्योंकि स्पेस भी बच जाता है और थोड़ा ना अच्छा सा लगता है देखने में भी। और ये मेरे सूट हैं जिनको ठीक से रख देती हूँ, क्योंकि जब जल्दीबाजी में निकालते हैं तो थोड़ा आगे पीछे कपड़े हो ही जाते हैं। और ये कपड़े वो हैं जो मैंने धोए थे, तो इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ अलमारी में। और ये कपड़े हैं मेरे नए वाले जो मैंने अभी ख़रीदे हैं, किसी दिन डालूंगी इनको, और ये मुझे अभी अलमारी के अंदर ही रख दिए हैं, क्योंकि कल मुझे बेड में रखने हैं, और अभी रखूंगी तो बेड ना सारा फैल जाएगा, तो कल वैसे भी बेड बनाऊंगी तो तभी रख दूंगी। और ये कुछ कपड़े हैं जिन्हें मुझे प्रेस करना है, ये छोटे छोटे काम करके ना मतलब इतनी खुशी होती है कि अरे एक जो गृहिणी होती है ना वो अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है, नर्क भी बना सकती है, वो उसके अपने हाथ में होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना घर किस तरीके से रखना है किस तरीके से नहीं रखना है। अंदर अलमारी ठीक कर दी है मैंने, प्रेस कर दी है, सारा काम ख़त्म कर दिया है, और अब आ गई हूँ मैं किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो अरबी को धो करके मैंने कुकर में उबालने के लिए रख दिया है, और एक साइड में मैंने रख दूँगी काले वाले चने जो कल के लिए हो जाएंगे, क्योंकि रात को ही उबाल के रख दो ना तो सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती है, तो एक साइड में रख दिए हैं काले वाले छोले और अरबी। आज अरबी की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, और काम करते करते ना इतना प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अब हो गया है मेरी चाय का टाइम। आप कहोगे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप चाय पीते हो, लेकिन क्या करूँ मुझे आदत है, चाहे मुझे आधा ही कप मिले लेकिन ऐसा लगता है ज़रूरी। जब तक मैंने चाय पी मेरी अरबी भी उबल गई है, तो अरबी को लेती हूँ पहले छील, तेल डाल दिया है सरसों का, सरसों के तेल में डाल दिया है मैंने अजवाइन, इसको मैं अजवाइन से बनाती हूँ। और उसके बाद ना ये दो मतलब दो छोटे छोटे टमाटर थे तो मुझे दो सब्जी के लिए चाहिए, हाफ डाल दिया है मैंने पेस्ट, और उसमें डाल दिए हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च देगी मिर्च डाली है, और डाली है सब्जी मसाला, और इसमें भी मैं दही से बनाऊंगी, क्योंकि
वैसे भी दही से भी अच्छी लगती है, और थोड़ा सा डाला है आमचूर पाउडर, वही है, गैस बंद कर दिया है और थोड़ा सा ठंडा होने पर डाल दिया, नहीं तो दही फट जाती है। और लास्ट में डाल दिया है कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी से भी इतना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगती है। और इसको अच्छे से चला देती हूँ, 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढक दूँगी। और जब अब ये 5 मिनट हो गए हैं, इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, हल्की सी रसे वाली बनाऊँगी। और ये इतनी टेस्टी बनी थी ना सब्जी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा दही डाला था, तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था इसका। हस्बैंड भी बोल रहे थे, मतलब दोनों को ही पसंद आई थी। चलिए और अब बना लेती हूँ मैं रोटी। तो छोले जो है ना मैं सुबह बनाऊँगी, और पेस्ट मैंने बना के रख दिया है। बस अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।